दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ यूनिट 3 का वीडियो जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग का है। ठीक है, तो आप जैसे कि काफ़ी वीडियो देख चुके होंगे, पहली यूनिट की वीडियो देखे होंगे जो यूट्यूब पर आपका पड़ा है। तो अगर आपको 2, 3, 4, 5 यूनिट की वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, जहाँ पर वेबसाइट का लिंक मैंने दिया है, वहाँ पर आपको 5 वीडियोज़ मिलेंगी। टोटल 5 वीडियोस मिलेंगी आपको यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 प्रॉपर अच्छे तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन में। आपको वहाँ पे नोट्स मिलेंगे, 5 यूनिट्स के पूरे आपको नोट्स मिलेंगे अच्छे से यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 का। ठीक है, उसके बाद आपको हर यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक पीडीएफ मैं पूरा दूंगा, जिसमें 5 यूनिट के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जिससे आपको सेशनल एग्जाम में, आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम AKTU का है, उसमें बहुत आपका हेल्प होगा, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। उसके बाद प्रीवियस ईयर के भी मैं क्वेश्चंस के पीडीएफ दूंगा, जहां से आपको आइडिया लगा सकते हैं आप कि कैसे क्वेश्चंस आए थे, किस तरीके से आते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पर मैं लिंक दिया है वेबसाइट का, eiov99.com की वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप लोग इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। और मैं ऐप का भी लिंक दे दूंगा जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, eiov का, इंजीनियरिंग इन 1 वीडियो का, तो वहाँ से जाके भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो फटाफट जाओ एक्सेस करो, देर ना करो। आपको बैग से अगर कोई दिमाग में टेंशन चल रहा है कि क्या यार प्रॉब्लम होगी, कैसे करो, तो कुछ मत सोचो, जाओ वहाँ से तैयारी कर लो अपना। ठीक है, तो किन किन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे यूनिट 3 में, तो उसको बता देता हूँ। तो लेयर्ड आर्किटेक्चर की बात करेंगे, NIST क्लाउड कंप्यूटिंग रेफरेंस आर्किटेक्चर की बात करेंगे, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, IaaS की बात करेंगे, PaaS की बात करेंगे, SaaS की बात करेंगे, जैसे था ना सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस वगैरह, यूनिट 1 में भी मैं बताया था इसके बारे में, तो इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन और है इसमें। तो क्लाउड स्टोरेज की बात करेंगे, SaaS ये दूसरा है, तो वीडियो में आपको पता चलेगा, तो जाके इसको देखो, और हमेशा की तरह ये वीडियो हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। तो फटाफट जाओ, देर ना करो, एग्जाम की तैयारी करो, पढ़ो और एग्जाम फोड़ कराओ। ठीक है, तो जाओ और एंजॉय करो।